राजस्थान विधानसभा का आज दूसरा दिन है। सरकार गठन के बाद में पहला विधानसभा सत्र बुलाया गया है। लगातार विधायक जो है 151 विधायक कल बुधवार को शपथ ले चुके हैं और 8 बचे हैं वो आज लेने के हैं। वहीं पर सबसे बड़ा खास बात ये होगी कि वासुदेव दोनानी को स्पीकर चुना जाएगा। मेरे साथ बी कुमेर से विजेता विधायक जो हैं शैलेश कुमार साथ हैं। सर सबसे पहले तो बधाई हो आपको। धन्यवाद मेरे साहब, आपके चैनल के माध्यम से भी मैं सब लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन लोगों का आशीर्वाद और प्रेम और प्यार से आज मैं विधानसभा में पहुँचा हूँ। लगातार जो बातें चल रही हैं, चर्चाओं का माहौल गर्म है कि कहीं ना कहीं मदनलाल शर्मा CM जो बने हैं वो डमी सरकार के रूप में, विपक्ष लगातार दावे कर रहा है कि डमी सरकार के रूप में काम करेंगे। देखिए, विपक्ष तो कुछ भी दावे कर सकता है, विपक्ष की बात मैं नहीं करता। भजनलाल शर्मा जी भरतपुर से ही आते हैं, बहुत लंबे समय का उनको अनुभव है काम करने का। संगठन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से उन्होंने शुरुआत की, सरपंच भी अपनी ग्राम पंचायत के रहे, उसके बाद संगठन में युवा मोर्चा में विभिन्न पदों पर रहकर और मेन संगठन में पार्टी में प्रदेश के महामंत्री लगातार 4 बार वो रहे हैं। राजस्थान के एक एक कार्यकर्ता को बाय फेस बाय नेम वो जानते हैं और बहुत बड़ा अनुभव उनका है और निश्चित तौर पर बहुत ही प्रभावी मुख्यमंत्री राजस्थान के रहने वाले हैं। CM मदनलाल शर्मा आज दोबारा दिल्ली पहुंचे हैं और कदावर जो नेता हैं पार्टी के शीर्ष नेता तो उनसे मुलाकात करेंगे। कैबिनेट मंत्री मदालेगा जो है उसमें कहीं ना कहीं आपका भी नाम चर्चाओं में। देखिए, मेरा नाम की तो मेरे को क्या पता, लेकिन मेरे को विश्वास है अपने शीर्ष नेतृत्व पर कि वो जो भी फैसला करेगा बिल्कुल सही करेगा। युवाओं को मौका दिया जाना तय माना जा रहा है, युवाओं पर दाव खेल सकती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सोच ही है युवाओं को आगे बढ़ाने की और आप देख लीजिए हमारे मुख्यमंत्री जी का भी बहुत, उनकी उम्र मात्र 53 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बनाए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, तो भारतीय जनता पार्टी में युवाओं के लिए खासे अवसर हैं। राजस्थानी भाषा की बात कर ले, कल भी हंगामा हुआ था राजस्थानी भाषा में मान्यता को लेकर, राजस्थानी भाषा में शपथ को लेकर, क्या मानते हैं आप राजस्थानी भाषा में मान्यता मिलनी चाहिए? देखिए, अभी जो विधानसभा में प्रावधान है, हाउस में जो प्रावधान है वो मात्र 3 भाषाओं का है। निश्चित तौर पर अगर किसी की इच्छा है कि अपनी राजस्थानी भाषा में शपथ लेने की उनकी इच्छा है तो उनको पूर्व में ही विधानसभा के जो हमारे स्पीकर हैं प्रोटेम स्पीकर उनके यहाँ पर अर्जी लगाकर ऐसी व्यवस्था को बनाना चाहिए। एक सवाल आपसे ये भी था कि क्या विशेष फोकस रहेगा, क्योंकि आप पुष्पेंद्र भारद्वाज को बहुत भारी मतों से हरा कर आए हैं, क्या विशेष समस्याएं हैं जिन पर काम करना आपके लिए प्राथमिकता रहेगी? देखिए, मेरी विधानसभा भरतपुर जिले में डी कुमेर विधानसभा है और निश्चित तौर पर जो मेरे सामने प्रत्याशी थे वो कांग्रेस के बड़े नेता और कांग्रेस के ही नहीं पूरे राजस्थान के कद्दावर नेता विश्वेंद्र सिंह जी जो महाराजा भरतपुर भी हैं उनके सामने मेरा चुनाव हुआ था और जो जनता ने मेरे को आशीर्वाद दिया है, जनता ने जो मैंडेट दिया है, निश्चित तौर पर उनकी हर उस पर खरा उतरने की मेरी कोशिश रहेगी। जो अपेक्षाएं उनकी हैं उनको सब अपेक्षाओं को पूरा करने की पूरी कोशिश मेरी रहेगी। अंतिम सवाल आपसे ये था कि बीजेपी और कांग्रेस ने चुनाव फाइट किया, कांग्रेस बीजेपी ने लगातार विपक्ष में रहते हुए चुनाव में के दौरान पेपर लीक को मुद्दा बनाया जो हावी भी रहा, कहीं का काम भी कर गया, इस बार आपकी सरकार के लिए पेपर लीक का क्या सिस्टम है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजस्थान में पिछली कांग्रेस सरकार में युवाओं के साथ में जो अन्याय हुआ, बहुत बड़ा धोखाधड़ी युवाओं के साथ में राजस्थान की हुई और उसी प्रकरण में हमारे मुख्यमंत्री जी ने पदभार संभालते ही सबसे पहले SIT का गठन किया है और निश्चित तौर पर पेपर लीक को पूरी तरह से राजस्थान के अंदर रोक दिया जाएगा और निष्पक्षता से पूरे मामले की जांच की जाएगी और जो भी दोषी होंगे उनको सजा भी दिलाई जाएगी और आगे से निष्पक्ष रूप से सारे पेपर हमारे यहाँ पर होंगे। ये थे डी कुमेर से विधायक शैलेश कुमार जो लगातार भारी मतों से जीत कर आए हैं और पुष्पेंद्र भारद्वाज उसको हरा कर आए हैं। अगर साफ साफ कहना है, जैसे कि हमने उनसे बात की कि पेपर लीक के मुद्दों पर बात करेंगे, पेपर लीक को लेकर लगातार जो कंट्रोवर्सी चली है उसको लेकर बात करेंगे, दोबारा पेपर लीक नहीं हुए ऐसी कोई व्यवस्था करेंगे, SIT का गठन कर दिया गया है, तमाम जो समस्या है, पेयजल समस्या मान लें, बात कर लें सड़कों की, बात कर लें स्कूली शिक्षा की, बात कर लें महिला सुरक्षा की, बात कर लें, तो तमाम जो समस्याएं हैं जो पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस में बनी रही थी और जिनको मुद्दा बनाकर हैवी होकर जो मुद्दा हैवी रहा और आज बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ राजस्थान में सरकार बनाई है, तो कहीं ना कहीं पूरा फोकस उन समस्याओं पर होगा। देखने वाली बात है क्योंकि मदनलाल शर्मा की सरकार जो है वो कहाँ तक इन मुद्दों को पूरा कर पाती है। कैमरा पर्सन संजय शर्मा के साथ संदीप अग्रवाल, द नगरी मीडिया, जयपुर।